40 लाख लोगों को बांग्लादेश, कोई कह रहा था 60 लाख, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, खोदा पहाड़ और निकले चूहिया वो भी मरी हुई। मुसलमानों को बिल्कुल इसमें घबराने की चीज नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। बंगाल में इलेक्शन है, एनआरसी का मसला पूरे इंडिया में ला ही नहीं सकते क्योंकि एनआरसी पूरे इंडिया के लिए बना ही नहीं है। AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज जो प्रोग्राम रखा गया एजुकेशन क्षेत्र के लिए, लगातार ये बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ना नहीं चाहते और जब पढ़ते हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे जौहर अली यूनिवर्सिटी हो, उन्हें मुसलसल टारगेट किया जाता है। क्या माने के जो सरकार कहने में और करने में उनके फर्क है? देखिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज है, जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे इनका वोट एक नहीं होगा। हिंदुत्व इनका एजेंडा है, इस मुल्क को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए जितना ज्यादा हिंदुओं की तारीफ करेंगे या उनकी हमदर्दी करेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये एक सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ के आज भी हमारे 95% से ज्यादा हिंदू भाई सेकुलर है। ठीक है, एक ढेव है, हवा चली है, सुनामी चली है, उसके अंदर वो जितना वोट बटोर सके बटोर लेंगे, लेकिन बहुत दिन तक ऐसा नहीं चलता, समझे? कहीं हकायक लोग समझ रहे हैं। आज मोदी सरकार की जो हालत है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो आप देखिए, उन्होंने जितने 6 साल में वादे किए, 1 नंबर से लेकर 99 तक अब उनको याद भी नहीं है। हर रोज एक नया प्रोजेक्ट बताते हैं, अभी अमरीका गए, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्टों को कह दिया, कल परसों उन्होंने कह दिया कि जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत, आप गाँव में जाइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे इलाकों में हम दिखाएंगे कि 30% भी नहीं, 25% भी नहीं हुआ, उन्होंने कह दिया हमने 100% पूरा कर लिया। तो बड़े आदमी है, उनकी जुबान कौन रोक सकता है, जितना वो चाहेंगे कहेंगे। हिंदू राष्ट्र का सर आपने बात करा, क्योंकि लगातार चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे सदर हों आरएसएस के, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी हाल ही में 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा जाता है गॉड से अमर रहे, क्या देश अब गांधीवादी से हट करके गॉड से की तरफ बढ़ने लगा? अरे नहीं भाई, हमारे गांधी जी के लिए तो अमरीका में गए मोदी जी, 15 मिनट तो उन्होंने सिर्फ गांधी जी की तारीफ में बात की, और ये जो अभी जो हुआ 2 अक्टूबर को, तो सारा प्रोग्राम गांधी जी के नाम से ही चला है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी पार्टी के ख्यालात, आरएसएस के ख्यालात और विश्व हिंदू परिषद के ख्यालात और नागपुर के ख्यालात और मोदी जी के ख्यालात में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उनको चूंकि पार्टी को हुकूमत में लाना है, तो इस किस्म के इश्यूज को भूलेंगे तो उनके लोग उनको वोट देंगे, इसलिए ये इलेक्शन के और सारे पॉलिटिकल एजेंडे हैं, इसके ऊपर वो काम करते जा रहे हैं, समझे कि नहीं? इस लोगों हम लोगों को ये सब सुनना भी नहीं चाहिए और इसके ऊपर वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका का जिक्र सर आपने करा, अमेरिका से बात याद आता है, हाउडी मोदी का बड़ी जोर शोर से प्रचार किया गया और डोनाल्ड ट्रंप एक बात कहते हैं कट्टरपंथी इस्लाम, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो इस्लाम के लिए एक रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला, हम जैसे छोटे आदमी को इसमें बोलना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरे ये कि मोदी जी को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है मैं कैसे तय करूंगा, उनको वो अच्छा लगा अल्फाज उन्होंने ताली बजा दी। कहीं और जाएंगे, इस्लामी मुल्क में जाएंगे तो बोल देंगे कि भाई कुछ और मैं समझाता, मैंने ताली बजा दी। आज इस्लामी मुल्कों के वो करीब हो रहे हैं, उनके लोग वहां जा रहे हैं, उनके करीब हो रहे हैं, तो इसलिए सब पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं तो कम से कम अपने वक्त को जो है इन चीजों में बर्बाद करना ही नहीं चाहता, इस पर बोलना भी नहीं चाहता। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, असम एनआरसी में जो खेल एनआरसी का खेला गया, अब उसे मुल्क पर लागू करने की बात कही जा रही है और कोलकाता में गृहमंत्री बयान देते हैं कि जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सबको रहने की इजाजत है पर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। भाई देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बंगाल में इलेक्शन है, एनआरसी का मसला पूरे इंडिया में ला ही नहीं सकते क्योंकि एनआरसी पूरे इंडिया के लिए बना ही नहीं है, एनआरसी बना ही, बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर एक धोखा देने की कोशिश है। हमारे हिंदू भाई लोग समझ नहीं रहे, ऑल इंडिया पे लाएंगे तो वो एनआरपी लाएंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, जो अभी जनगणना होगा तो वो तो होना ही है, इलेक्शन हो या ना हो, बीजेपी हो या ना हो, कोई और पार्टी हो, वो तो होना ही होना है, तो इसलिए इसमें किसको एतराज है। मैं समझता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है एनआरपी के लिए, तो वो अपनी तैयारियों में है, उनके पास वो इतने डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि असम का एनआरसी हम यहाँ लगाएंगे, असम के एनआरसी में वो कह रहे थे हम 40 लाख लोगों को बांग्लादेश, कोई कह रहा था 60 लाख, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ,
खोदा पहाड़ और निकले चूहिया वो भी मरी हुई, तो इसलिए हम उसी एनआरसी का लफ्ज यहाँ कह रहे हैं, जो मुसलमानों को बिल्कुल इसमें घबराने की चीज नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, और कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आएगा या गवर्नमेंट, उसका फॉर्मूला तक आज नहीं बना, एनआरसी का फॉर्मूला बना था, सुप्रीम कोर्ट ने 15 डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा था, वो लोगों ने पेश किया, और आज इसी वजह से 19 लाख लोग आखिर में बचे हैं, जिसमें 11 से 12 लाख जो है हमारे हिंदू भाई बहन है, बंगाली भाई है, 4 लाख लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, तो कितने हो गए, 12 और 4, 16 हो गए, 16 जब हो गए रह गए 3 लाख, 3 लाख का मसला गवर्नमेंट अगर किसी को घर कानूनी पाती है कि वो घर कानूनी तौर पर यहाँ है, घुसपैठिए हैं, तो उनको निकाले, पूरे इंडिया से घुसपैठियों को निकाले, हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जो इसका बोझ बढ़ेगा, तो वो उनका काम है, लेकिन धर्म के बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक हवा और राजनीति बनाने की कोशिश मुस्लिमों के लिए एनआरसी के नाम पर की जा रही है वो असल में बीजेपी का पूरी तरीके से धोखा है।